आज हम लोग जो देखेंगे बेटा टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे 2.17 तक हमने देखा था। टुडे वी विल सी द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 11 क्वेश्चन 2.18। दिस न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट हैव वॉच प्रीवियस वीडियोज रिगार्डिंग थियोरी एंड न्यूमेरिकल्स। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट। Read the question carefully. What is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit, yani ki first orbit mein se, to the fifth orbit? And what is the wavelength of the light emitted when the electron return to the ground state? Matlab first mein se fifth mein jayega to delta E energy ka difference dhoondna hai. Dusra लैम्बडा ढूंढना है वेवलेंथ। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज -2.18 × 10⁻¹¹ अर्ग। इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो -10⁻¹⁹ जूल हो जाएगा, -2.18 × 10⁻¹¹ जूल पर एटम। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एन इज इक्वल टू वन अगर जब हम लेते हैं तब E1 इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻¹¹ अर्ग। अर्ग में से जूल में कन्वर्ट करना होता है तो (10⁻⁷) करना होता है तो (10⁻⁷) × 10⁻⁷ तो हो जाएगा (10⁻⁷) = 18 जूल जो हमें पता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट चेंज ऑफ एनर्जी इट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻¹⁸ 1/Ni² - 1/Nf² जूल पर एटम। यहाँ पे क्वेश्चन में Ni इनिशियल एनर्जी इनिशियल ऑर्बिट 1 एंड फाइनल ऑर्बिट 5 इज गिवन। सो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू Ni के तौर पे 1 और Nf के तौर पे 5। तो 1/1² - 1/5² हमने पुट किया 1/25, 1 - 1/25 करेंगे एलसीएम लेके 24/25 उसको इंटू करेंगे 2.18 × 10⁻¹⁸ के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 2.09 × 10⁻¹⁸ जूल पर एटम। ओके नाउ दिस मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द N1 to N5 ट्रांजिशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से फिफ्थ ऑर्बिट में जाएगा तो इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, दैट्स वाई डेल्टा ई का सिंबल यहाँ पे प्लस है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 5 में से 1 में वापिस ग्राउंड स्टेट में आता है तो सेम एनर्जी इज एमिटेड एंड फॉर एमिशन डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस। यही वैल्यू 2.09 × 10⁻¹⁸ माइनस में हो जाएगी। ओके लेकिन जब एमिशन के लिए आपको लैम्बडा ढूंढना होता है तो डेल्टा ई की सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, इधर अगर नेगेटिव साइन हम लगा लेंगे ना तो लैम्बडा नेगेटिव आएगा जो मुमकिन नहीं है। दैट्स वाई मैंने सिर्फ डेल्टा ई की यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करी, सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करी और काउंट किया तो यू विल गेट लैम्बडा इज इक्वल टू 9.51 × 10⁻¹⁸ मीटर। इसको × 10⁻⁹ करोगे तो हो जाएगा नैनोमीटर में कन्वर्ट, वो तो 95.1 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन 2.19। क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम is given by En is equal to -2.18 × 10⁻¹⁸ 1/N1² या तो 1/N² जूल पर एटम। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। हमें जो डेटा दिया है उसके ऊपर से हमें पहले तो ढूंढना है डेल्टा ई। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और उसको इनफाइनाइट लेवल पे हमें पहुंचाना है और डेल्टा ई के ऊपर से लैम्बडा ढूंढना है। एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू En इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻¹⁸ 1/N² जूल पर एटम। फ्रॉम अबव फॉर्मूला वी कैन डिराइव द इक्वेशन फाइंड द चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे जो इक्वेशन लिखा है डेल्टा ई
वी नो वेरी वेल डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच इंटू वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर। यहाँ पे आर एच इज इक्वल टू क्या है 2.18 इंटू 10^-18 जूल पर एटम। ठीक है, वेन वी हैव टू ट्रांजिस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी nth लेवल टू इनफाइनाइट लेवल, किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट लेवल पे जब पहुंचाना है तो एन एफ फाइनल स्टेट को हम क्या ले लेंगे इन्फिनिटी। तो वन अपॉन एन एफ स्क्वायर के बदले हम क्या रख देंगे वन अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा ज़ीरो। अभी किसी वैल्यू में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करो तो बचेगा क्या वन अपॉन एन आई स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में इनिशियल ऑर्बिट कौन सी दी है सेकेंड ऑर्बिट, तो एन आई के तौर पर टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो आर एच की वैल्यू पुट करी 2.18 × 10^-18 वन अपॉन टू स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस ज़ीरो यानी कि 1/4। ये वैल्यू को 4 से डिवाइड किया 0.545 × 10^-18 जूल पर एटम। डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट किया पावर में माइनस वन हुआ तो 5.45 × 10^-19 जूल पर एटम। मिनिमम एनर्जी रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट लेवल, मतलब आपको इतनी एनर्जी मिनिमम देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम में सेकंड ऑर्बिट में से इन्फिनिटी में जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा एनर्जी आप दोगे तो भी वो ट्रांजिशन कॉज करेगा। ठीक है, एक्सेस एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे उसके अंदर स्टोर होगी, जो हमने ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझ लिया था। तो इतनी एनर्जी क्या है मिनिमम एनर्जी, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है एच सी अपॉन लैम्बडा। डेल्टा ई और लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो एनर्जी मिनिमम सो वी कैन से वेवलेंथ मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर कॉज अबाउट ट्रांजिशन लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। ये कहाँ से आया, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा के ऊपर से मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाया, डेल्टा ई को नीचे ले गया। एच की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू और डेल्टा ई जो हमने ढूंढा उन सब की वैल्यू हमने रखी एम के एस में, एसआई यूनिट में। तो लैम्बडा वेवलेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, तो हमें लैम्बडा मिला 3.65 × 10^-7 मीटर, जिसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 नैनोमीटर हमें मिलेगा बेटा। ठीक है, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.34, क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम प्लस वन गिव्स हीलियम प्लस टू प्लस वन इलेक्ट्रॉन। हीलियम अगर न्यूट्रल होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस वन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वन। तो जो हाइड्रोजन मॉडल के जो फॉर्मूलाज है वो हम हीलियम प्लस वन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, खाली उनमें जेड यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जेड वन है, हीलियम प्लस वन का एटॉमिक नंबर टू है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, मतलब हमें हीलियम में से इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन बचा कुचा है वो भी निकाल देना है और इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचा देना है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ढूंढनी है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 × 10^-18 जूल पर एटम। हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट यानी कि एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट ऑर्बिट, सीधी सी बात है, पहला एक इलेक्ट्रॉन ही अगर होगा तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही शुरुआत में होगा, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं उसको। उसकी एनर्जी होती है −2.18 × 10^-18 जूल हाइड्रोजन के लिए। अगर उसको इन्फाइनाइट पे ले जाना है, ई इज इक्वल टू जीरो पे पहुंचाना है, तो उसको प्लस में 2.18 × 10^-18 जूल पर एटम एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वह इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी लेवल पर जाएगा। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन हीलियम प्लस वन और लिथियम प्लस टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। हाइड्रोजन अगर होता है तो जेड हम नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हीलियम प्लस वन के लिए हम जेड रखेंगे एटॉमिक नंबर टू। ठीक है ना, आर एच की वैल्यू 2.18 × 10^-18 जूल पर एटम। फॉर हीलियम प्लस वन जेड इज इक्वल टू टू एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एन आई इज इक्वल टू वन गिवन इन द क्वेश्चन कि ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 × 10^-2 ये फॉर्मूला में आर एच की वैल्यू मैंने पुट करी, जेड की वैल्यू पुट करी और एन आई की, और वन अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 − 0 वन, यानी कि 2.18 × 10^-18 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो आंसर हमें मिलेगा 8.72 × 10^-18 जूल पर एटम। ठीक है बच्चों, इसके बाद
ये जो प्रीवियस सम था ना उसमें हमें मीटर के बदले मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो 3.65 इंटू 10^-5 सेंटीमीटर आता, ठीक है ना। वो जरा करेक्शन आप कर लेना, 34 तो क्वेश्चन ओवर हो गया। फिर देखते क्वेश्चन 2.55, एमिशन ट्रांजिशन इन द पाश्चन सीरीज एंड एट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 3 एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट एन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10^-15 वन अपॉन 3 स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू एन वन अपॉन एन स्क्वायर या तो एन टू स्क्वायर। याद है फॉर्मूला हर्ट्ज, उसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर। अभी ये जो 1285 है वो किसका यूनिट है? वेवलेंथ का। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे? वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ के ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी के अगर फ्रीक्वेंसी हमें नोन है, बाकी सब कुछ नोन है, एन को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ये वाला रीजन जो है पाश्चन सीरीज जो है वो इन्फ्रारेड रीजन में आती है। ये रीजन जो है नैनोमीटर लैम्ब्डा की रेंज वो इन्फ्रारेड रीजन का है, ठीक है। देखिए जरा, फिर इसमें हम देखते हैं लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1285 नैनोमीटर इज गिवन। नैनोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 1285 इंटू 10^-9 मीटर, डेसिमल पॉइंट 3 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, पावर में प्लस 3 हुआ, 10^-9 प्लस 3 मतलब 10^-6 हो गया। लैम्ब्डा इज इक्वल टू 1.285 इंटू 10^-6 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्ब्डा। तो इक्वेशन 2 में भी फ्रीक्वेंसी है, इक्वेशन 1 में भी फ्रीक्वेंसी है, 2 में भी फ्रीक्वेंसी, 1 में भी फ्रीक्वेंसी। तो 1 और 2 को मैं इक्वेट करता हूँ, तो 1 और 2 को अगर मैं इक्वेट करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 को जो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सी बाय लैम्ब्डा इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10^-15। ये है क्या? न्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10^-15 वन अपॉन 3 स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया है। अभी सी स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है। लैम्ब्डा हमने हमें क्वेश्चन में दिया है, ये रहा। इनको पुट करेंगे, एन को सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपको तभी नहीं आएंगे जब आपने फॉर्मूला ठीक से लर्न नहीं किए हैं, थियोरी ठीक से लर्न नहीं किया है। बाकी ये 3 out of 3, 4 out of 4 जितने भी मार्क्स आपको लाने होंगे, 2 mark का, 3 mark का, 4 mark का, जितने भी मार्क का न्यूमेरिकल होगा वो आप 100% आप गेन कर सकते हो अगर आपने थियोरी और फॉर्मूला अच्छी तरह से पढ़े तो। लॉजिक आपके क्लियर है, बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन होता नहीं है इसमें। अभी देखो 3 × 10^8 अपॉन 1.285 इंटू 10^-6 का डिवीजन मैंने किया तो 2.335 इंटू 10^14 मिलेगा। और ये सामने की ओर इक्वल टू के उस तरफ ये जो 3.29 इंटू 10^15 है उसको डिनोमीटर में लाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/n टू एन स्क्वायर। और एन को सब्जेक्ट बनाया तो एन इज इक्वल टू 5 मिलेगा, मतलब कि फिफ्थ ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा थर्ड ऑर्बिट में। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो लैम्ब्डा दिया है 1285 नैनोमीटर लाइज इन द इंफ्रारेड रीजियन, रिमेंबर, ओके। उसके बाद टेक्स्ट बुक का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.56, क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3225 नैनोमीटर एंड एंड्स एट 211.6 पिकोमीटर। नैनोमीटर को जब पिकोमीटर में कन्वर्ट हो करना हो तो 1.3225 इंटू 10^-3 करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी पिकोमीटर में कन्वर्ट, मतलब कि 1322.5 1322.5 पिकोमीटर और 211.6 पिकोमीटर, उनमें बड़ी वैल्यू ये है, मतलब हायर रेडियस में से छोटे वाले ऑर्बिट में जो आता है इलेक्ट्रॉन, तो एमिशन स्पेक्ट्रम कॉज होगा। नेम द सीरीज टू विच ट्रांजिशन बिलोंग, मतलब कि यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में आएगा उसके ऊपर से ट्रांजिशन तय होता है। अगर किसी भी ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम बोलेंगे लाइमैन सीरीज, किसी भी ऑर्बिट 3, 4, 5 में से सेकंड ऑर्बिट में जब आएगा तो हम बोल देंगे बामर सीरीज, ठीक है ना।
पाश्चन सीरीज कम बोल पाएंगे, जब 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक कोई भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट में आएगा तब उन पाश्चन बोलेंगे। तो हमें तय करना है कि कौन सी सीरीज है, लाइमैन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड, एंड उसका रीजन तय करना है कि वो विजिबल है, अल्ट्रावायोलेट है, इंफ्रारेड है, व्हाटएवर। तो सॉल्यूशन देखते बेटा, रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस के ऊपर से एन पे जाना है। तो रेडियस और एन के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पे एनर्जी का कोई लफड़ा नहीं है, रेडियस दिया हुआ है और हमें एन ढूंढना है, क्योंकि कौन सा रीजियन है, कौन सा स्पेक्ट्रम है, वो हम एन की वैल्यू के ऊपर से तय कर सकते हैं। इसलिए हम रेडियस वाला ये फॉर्मूला बोहर मॉडल का यूज करेंगे, आर एन रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। और क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया है कि हाइड्रोजन है या कौन सा आइटम है, इसलिए जेड भी अननोन है। रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट इज इक्वल टू ए जीरो इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ए जीरो इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, जेड यानी एटोमिक नंबर। इनिशियल स्टेट के लिए रेडियस दिया हुआ है 1322.5 पिकोमीटर इज इक्वल टू ए जीरो इंटू एन आई स्क्वायर अपॉन जेड, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। फाइनल स्टेट के लिए आर एफ रेडियस ऑफ फाइनल स्टेट इज इक्वल टू ए जीरो इंटू एन एफ स्क्वायर अपॉन जेड, और फाइनल स्टेट की रेडियस दी है क्वेश्चन में 211.6 पिकोमीटर इज इक्वल टू ए जीरो इंटू एन एफ स्क्वायर अपॉन जेड, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में, इक्वेशन वन डिवाइड बाई टू अगर हम करेंगे तो ए जीरो बाई जेड, ए जीरो बाई जेड कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1322.5 अपॉन 211.6 इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर बचेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1322.5 और 211.6 डिवाइड किया, यू विल गेट 6.25 इज इक्वल टू वन एन आई स्क्वायर माइनस एन आई स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, 6.25 का स्क्वायर रूट होगा, होता है 2.25 एंड यहाँ पे एन आई अपॉन एन एफ, 2.25 नहीं होगा बेटा, 2.5 होगा, यहाँ पे मेरी गलती है, 2.5 होगा, ठीक है ना। अभी ये रेशियो 2.5 कब आएगा, जब इनिशियल ऑर्बिट फिफ्थ और फाइनल ऑर्बिट सेकेंड, और ऐसा किस में होता है, बामर सीरीज में ऐसा होता है, किस में होता है बेटा, बामर सीरीज में। आप ट्रायल एंड एरर करके देख लीजिएगा, इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट के नंबर्स रख के देख लीजिएगा, जब आप 5/2 करोगे तभी जाके वो रेशियो क्या होगा, 2.5, कॉमन सेंस की बात है वो, ठीक है। इट मीन्स दिस ट्रांजिशन बिलोंग टू बामर सीरीज एंड इट इज फ्रॉम अ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ रिजियम, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आज रखते हैं ये वीडियो में, जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको नीट AIPMT एम्स के साथ जुड़े हुए कुछ MCQs ये टॉपिक के साथ मिल जाएंगे, और उसके बाद एक वीडियो आएगा छोटा सा जिसमें JEE मेन के कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बच्चों।